हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी डिलीशियस हरे कद्दू की, छिलके वाला जो कद्दू रहता है हरा वाला, उसकी खट्टी मीठी सब्जी बनाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से और बिना लहसुन प्याज के, जो हलवाई भंडारे में बनाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी को शुरू कर देते हैं। तो मैंने ले लिया था कद्दू हरा वाला, और ये एकदम कच्चा वाला हरा कद्दू है। आप देख सकते हैं मैंने छिलके के साथ कट कर लिया है, और ये है कच्ची कैरी। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी हम बना रहे हैं। अगर कद्दू का छिलका आपको पसंद नहीं है तो आप छिलका हटा दें। तो मैंने रख दी एक कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। अब उसमें मैं ऐड कर दूंगी हींग और मेथी। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल में सब्जी नहीं बनानी है तो आपको जो ऑयल पसंद है उसमें बना लें। और मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, और जो कद्दू हमने लिया हुआ था उसको बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। और इसको कढ़ाई में डाल देंगे और एक से दो मिनट के लिए ऑयल में इसी तरीके से भुनने देंगे। तो जो सब्जी मैं बना रही हूँ, ये नवरात्रों में कन्या भोज में भी बनाई जाती है, पूजा पाठ में भी बनाई जाती है। बिना लहसुन प्याज की सब्जी को हम भंडारों में भी बनाते हैं, तो सेम वही टेस्ट आने वाला है। तो मैंने ढक के रख दिया था दो तीन मिनट के लिए, जिससे जो कद्दू हमारा है वो बहुत अच्छे से, जितना भी उसके अंदर पानी होगा वो छोड़ देगा, और जो फ्लेम है वो आपने हाई रखना है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी बेसिक मसाले, और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और ये है धनिया पाउडर। उसके बाद उसमें मैं ऐड कर दूंगी मिर्ची पाउडर और नमक। जितने भी मैंने सूखे मसाले लिए हैं सभी को आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और इसको मसाले को कद्दू में बहुत अच्छे से कोट कर देना है। और इसमें पानी वगैरह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो मसालों में कद्दू को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, क्योंकि खट्टा मीठा कद्दू बना रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। और इसको ढक के रख देंगे चीनी के साथ पकने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी आ गया है इसमें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो सब्जी हम बना रहे हैं बिल्कुल भंडारे के जैसे बना रहे हैं, बिल्कुल गुथी हुई, जिस तरीके से भंडारे में एकदम लिपटमा मिलती है ना, बस उसी तरीके से। तो सब्जी को ढककर आप पकाते रहें, और बीच बीच में आपने चलाते रहना है। तो सब्जी जब 70% तक कुक हो जाए उसके बाद हमें डाल देना है इसमें कच्ची कैरी। अगर आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो आप इसमें आमचूर भी ऐड कर सकते हैं, खड़ा आमचूर या पिसा हुआ आमचूर। आमचूर भी नहीं है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। खट्टा करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। तो खट्टा मीठा कद्दू हमारा तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा दिख रहा है। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची, और ये है गरम मसाला। तो कश्मीरी लाल मिर्ची से तीखा तो नहीं होगा, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और माय ऑल टाइम फेवरेट कसूरी मेथी। तो आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छी सी दिख रही है। तो अब आप इसको चलाते रहें, और थोड़ा सा पानी सूखने तक इसको आपने पकाना है। अगर आपको इसी तरीके की ग्रेवी चाहिए तो आप यहीं पर गैस की फ्लेम को बंद कर दें। और मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया। सब्जी पक चुकी है, तो अब मैं आपको देती हूँ अभी इसको सर्व करके। अगर आपको सब्जी पसंद आई हो तो यहीं पर लाइक कर देना, आप भूल जाते हैं। तो अब मैं आपको दे रही हूँ सर्व करके, और इस वाली सब्जी को आप पूड़ी, पराठे, चावल कभी भी कैसे भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्जी है और बहुत जल्दी बन जाती है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, सावन में भी आप बना सकते हैं। बाय दोस्तों।